অল্প কথায় সঠিক খবর পেতে গুগল প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন নিউজ টুডে কলকাতা অ্যাপ, লিংক ডেসক্রিপশনে। স্টেট ইলেকশন কমিশনের কাছে আমাদের এখন আছে, ডেলিগেশন যাবে 4:30 সময়, সেটা আমরা জানাবো। কিন্তু দেখুন, পরিষ্কার বলছি, হাইকোর্টের কোনো অর্ডার স্টেট ইলেকশন কমিশন মানে না, এরা শুধু রাজ্য সরকারের হয়ে কাজ। হাইকোর্টকে जो हाई कोर्ट के निर्देश को नहीं मानते हैं, जो डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करते, जिनको ये डर है कि अगर हाई कोर्ट के निर्देश का पालन हुआ और स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो उस हिसाब से अगर चुनाव कराती है और यहाँ अगर केंद्र वाहिनी आती है तो यहाँ मारपीट होकर के लूटमारी करके इलेक्शन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये इतने डरे हुए हैं। वरना स्टेट इलेक्शन कमीशन को आज जो ऑर्डर मिला है उसके लिए जो लोग यहाँ मौजूद आए हैं, हमारी पार्टी से भी यहाँ पर डेलीगेशन आने वाली है इनसे मिलने के लिए, तो इनको मिलना चाहिए, बात सुननी चाहिए। लेकिन मैं आपको स्पष्ट बताती हूँ, कैलकटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो हाईकोर्ट से एक ऑर्डर मिला था 63 नंबर वार्ड का कि वहाँ पर एक स्कूल की दरवाजे बंद किए जाएंगे, उस निर्देश को भी स्टेट इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना था। दैट वॉज अ कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। So I say that even the order which has been received today, they will not follow the same. And I completely know, because they are explicitly clear in their behavior that they will only do and follow the norms of the state.